सिरोंचा तालुका के चित्तूर में महाराजस्व अभियान के तहत आयोजित सरकारी योजना के कार्यक्रम से लौटते समय बुधवार 26 अप्रैल को रंगधाम पेट के पास दुबा पल्ली में हुए हादसे में लक्ष्मी देव पेठा के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। गढ़चिरौली जिले के पूर्व पालक मंत्री राजे अम्बिश राव अतराम ने इस दुर्घटना में मारे गए 3 लोगों और 26 घायलों के परिवारों से मुलाकात की और उनसे आर्थिक सहायता की मांग की। हादसे में मृतकों और घायलों के परिवारों की आर्थिक स्थिति गंभीर थी और गंभीर रूप से घायलों को तेलंगाना राज्य के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि हादसे में मृतकों व घायलों के परिजनों को सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है, लेकिन हकीकत में यह सहायता अभी तक नहीं मिली है। राज्य के पूर्व मंत्री राजे अम्बिश राव अतराम को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो वे स्वयं मंगलवार 9 मई को लक्ष्मी देव पेठा पहुंचे और मृतक व घायल परिवारों से मिले तथा लक्ष्मी देव पेठा ग्राम पंचायत में मृतक व घायल परिवारों को सहायता राशि सौंपी। इसी के साथ ही मृत परिजनों व घायल मरीजों से उन्होंने मुलाकात कर गंभीरता से उनके बारे में पूछताछ की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करते हुए राज ने जल्द से जल्द सरकारी मदद दिलाने का वादा किया और इसके बाद प्रशासन को सरकारी कार्यक्रम आयोजित करके समय से नागरिकों का उचित ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंकिसा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और अपने इलाज की प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। राजे अम्बिश राव अतराम समय समय पर मुसीबत पर फंसते रहे हैं, ये बात इस बार फिर सामने आई है और मृतकों और घायलों के परिजन मदद के लिए आभारी है। इथून डायरेक्ट नागपूर वरून मुंबईला जाणार आहे आणि हेच काम त्यांचं लवकरच लवकर त्यांना पैसे भेटले पाहिजे, गरीब लोकांना सहारा भेटला पाहिजे, त्या हिशोबाने आपण काम करणार। सर एक मिनिट आपल्याकडे आणि ते शासनाकडून जे धोरणामध्ये आहे धोरणमध्ये की किती पैसे आपण मदत करतो ते तर होईल शासनाकडून, पण आपला प्रयत्न आहे की गरीब लोक असल्यामुळे आपण जास्तीत जास्तीचं मदत किती देऊ शकतो ते आपण प्रयत्न करू, शासनाकडे मागणी करू आणि त्याच्यासोबत माझ्याकडून जितकं सहकार्य होते मी आता केलं आहे त्यांना आणि पुढेही त्यांना काही सहकार्य लागत असेल हॉस्पिटलचं किंवा काय खर्च येत असेल तर आपण तेही त्याचंही त्यांना सहकार्य करू त्याच्यामध्येही आणि शासनाकडून जितकं जास्त पैसे आपण त्यांना मदत करू शकतो ते आपला प्रयत्न आहे करू। NBC न्यूज के लिए गढ़चिरौली से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।